के तबादले हुए हैं। आगे बढ़ रहे हैं, उधर बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा आज रवाना होगी। हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी मंदिर से ये यात्रा शुरू होगी। इस परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रवाना करेंगे। ये यात्रा 18 दिन में बीकानेर संभाग, झुंझुनू और सीकर जिले से होते हुए 128 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करेगी और यात्रा का समापन अलवर में होगा। तो आज बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा निकलने जा रही है। हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी मंदिर से ये यात्रा रवाना होगी और इस यात्रा को रवाना करने के लिए आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आ रहे हैं, जो कि इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देते हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, आज भाजपा की चौथी परिवर्तन यात्रा रवाना होने जा रही है, क्या कुछ इसका रूट रहने वाला है और कौन कौन से भाजपा के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज भाजपा की चौथी परिवर्तन यात्रा है। लगातार भाजपा 2 सितंबर से जो परिवर्तन यात्रा है उनका आगाज कर रही है। प्रदेश के 4 अलग अलग इलाकों से ये परिवर्तन यात्राएं शुरू की जा रही थी, उनमें से आज चौथी परिवर्तन यात्रा है वो हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी मंदिर से रवाना होगी और इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, वो इस जो यात्रा है परिवर्तन संकल्प यात्रा है उसको रवाना करेंगे। और ये यात्रा जो है 18 दिन तय करके बीकानेर संभाग और झुंझुनू और सीकर जिले में जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनको कवर करेगी और उसके बाद 2128 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा का जो समापन है वो अलवर में रखा गया है और इसके अलावा जब यात्रा यहाँ से रवाना होगी तो उससे पहले एक सभा का आयोजन किया जाएगा गोगा मेड़ी में, जिसमें केंद्रीय जो मंत्री है नितिन गडकरी सहित प्रदेश के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर राज्य सरकार के हमला बोलेंगे और उसके अलावा जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जो योजना है उनके बारे में जनता को जानकारी देंगे। साथ ही परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के लिए समर्थन भी, जन समर्थन भी मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर जो अगर बात की जाए प्रदेश स्तर के नेताओं की, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश के जो अध्यक्ष है सीपी जोशी, उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया सहित तमाम जो नेता हैं वो यहाँ इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में जो रवाना होंगे तब रहेंगे और नितिन गडकरी इस परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये परिवर्तन यात्रा जब इन जिलों में पहुंचेगी तो उस दौरान अलग अलग छोटी छोटी जो रथ हैं वो और तैयार किए गए हैं, जो कार है उनमें जो रंग दिया गया उसको परिवर्तन का, जहां बड़ा रथ नहीं पहुंच पाएगा वहां छोटे रथ भेजे जाएंगे अलग अलग स्थानों पर। इसके अलावा जब परिवर्तन यात्रा निकलेगी तो वहां नुक्कड़ नाटक, किसान चौपाल, मोटरसाइकिल रैली सहित तमाम जो अन्य कार्यक्रम है वो लगातार इसके पैरेलल चलते रहेंगे। यानी बीजेपी पूरी तरह से एक चुनावी माहौल यहाँ खड़ा करने जा रही है, क्योंकि लगातार चारों दिशाओं से जब ये यात्रा निकलेगी तो करीब 9027 किलोमीटर का पूरा सफर तय करेगी चारों यात्राएं और चारों यात्राओं का अलग अलग जो समापन है अलग अलग शहर में रखा गया है, ताकि जब परिवर्तन यात्राएं चले तो उसके दौरान माहौल एक बनता नजर आए। और वहीं दूसरी ओर हर रोज परिवर्तन यात्राओं के दौरान एक पड़ाव जहां होगा वहां पर सभा का आयोजन किया जाएगा और उस सभा के दौरान जो स्थानीय नेताओं और केंद्रीय जो नेता हैं वो संबोधन करेंगे, तो कुल मिला के एक पूरा माहौल तैयार होगा। ये कहा जा सकता है कि हर रोज बीजेपी की 4 चुनावी सभाएं, अगर इसमें चुनावी सभाएं मान सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन संकल्प यात्रा जब रवाना होगी तो एक तरह से चुनाव में जो सत्ता परिवर्तन है उसके लिए ये यात्राएं निकाली जा रही है, तो 4 जगह हर रोज 4 जो यात्राएं होगी, सभाएं होगी, वो सभाओं में अलग अलग नेता संबोधन करेंगे, तो ऐसे में ये पूरा माहौल तैयार बीजेपी की ओर से चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो परिवर्तन यात्राएं जो रवाना हो रही है आज अगर बात की जाए तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनके चेहरे पर एक साथ एकजुट होकर मंच पर नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एकजुटता है उसको भी, उसका भी प्रदर्शन होता है, लोगों के सामने आते हैं कि बीजेपी पूरी तरह एकजुट है और चुनाव में पूरी तरह उतर गई है और इसी का नतीजा है। और वहीं दूसरी ओर जब ये रथ पूरे प्रदेश में घूमेंगे तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी
माहौल है और उस माहौल को लेकर जनता बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी एकजुटता का प्रदर्शन भी कर रही है एक मंच पर आकर, और साथ के साथ परिवर्तन का जो उद्देश्य लेकर ये परिवर्तन यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाले जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो प्रदेशवासी हैं एक एक वोट अपने पक्ष में करने की भी भाजपा की पूरी कोशिश है। चलिए विष्णु आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए।